हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। मैं लोग चैनल SV07 में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रतापगिरी वाटरफॉल दिखाने जाने वाला हूं। तो गाइस, आप लोग बने रहिए वीडियो में। ये अपना सुखमन साथी है, इनके साथ हम लोग प्रतापगिरी वाटरफॉल जा रहे हैं। ये अपन का बसंती है, हम इसी से ही वीडियो शूट करते हैं। दोस्तों, आइए चलते हैं प्रतापगिरी वाटरफॉल के लिए। अगर आप प्रतापगिरी वाटरफॉल देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को टोंगपाल आना पड़ेगा। टोंगपाल से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अमीरगढ़ चौक मिलेगा। वहां से आप लोग प्रतापगिरी वाटरफॉल के लिए सीधा जा सकते हो। ये देख सकते हो, यहां पर रोड बढ़िया बना हुआ है। दोस्तों, रोड के दोनों तरफ पेड़ मस्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर टोंगपाल क्षेत्र का कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है। बहुत ही बड़ा कॉलेज बनने वाला है, आप लोग देख सकते हो। ये देखिए, अमीरगढ़ का दुर्गा माता मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर प्रतिवर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, हम लोग अभी अमीरगढ़ पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, बहुत ही हरा भरा। हम लोग अभी जैमेर भी पहुँच चुके हैं। यहाँ से रोड ख़त्म होने वाला है। तो गाइस, हम लोग अभी कच्चा रास्ते से होकर आगे जाएंगे। लोग देख सकते हो, कितना कठिन रास्ता है यार। देखिए, यहाँ पर हम लोग को इस पुल से होते हुए हम लोग आगे जाना पड़ेगा। देखिए, छोटा सा पुल, अगर यहाँ मिस्टेक हुआ तो सीधा पानी के अंदर। आप लोग देख सकते हो कितना डेंजर हो सकता है। दोस्तों, प्रतापगिरी गांव पहुंच चुके हैं। आप लोग देख सकते हो, गांव की सुंदर पहाड़ों के बीच बसा है खूबसूरत सा गांव, देखने लायक है। दोस्तों, ये गांव के अंदर का रोड है, बहुत ही खूबसूरत है। कुछ महिलाएं जंगल गई हुई थी। दोस्तों, हम लोग यहां पर बाइक रख के अभी हम लोग को यहां से लगभग 4 किलोमीटर दूर पैदल जाना है। हम लोग भी वाटरफॉल को अभी तक नहीं देखे हैं, इसलिए गाइड के रूप में यहीं से एक व्यक्ति को सहारा को लिया है। तो गाइस, हम लोग का अभी पैदल ट्रैक स्टार्ट हो चुका है। आप लोग देख सकते हो, ये देखिए, सामने में खुद सहारा निकल चुके हैं वाटरफॉल के लिए। आप लोग देख सकते हो, इधर से सीधा जाना है। तो यहाँ जाने से पहले एक छोटा सा पहाड़ी है, इसको क्रॉस करके फिर नीचे गया उतरना है। ये आप लोग देख सकते हो। अगर यहाँ पर कभी आओगे तो ये एक छोटा सा नाला पार करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर पत्थर होने भैया, थोड़ा संभाल के चलिए। ये देखिए, खूबसूरत सा पहाड़। उसी पहाड़ी के किनारे किनारे हम लोग अभी आ रहे हैं। अब इतना घने जंगल है भैया। देखिए, रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन हमें मंजिल तक जाना है। दोस्तों, ये प्रतापगिरी का मंदिर है इन घने जंगलों के बीच में। यहाँ पर मस्त जोंदरा भी लगा हुआ है भैया, भुट्टा है, आप देख सकते हैं। हम लोग लगभग अभी 2 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। पखावा भी स्टार्ट हो गया भैया। आप देख सकते हैं, जंगलों के बीच में हम लोगों को जाना पड़ रहा है। आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कितना घनघोर जंगल इलाका है भैया। देखिए, हम लोग के हाइट के बराबर पूरा जंगल है, जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। दोस्तों, आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज हम लोग भी नया वाटरफॉल देखने वाले हैं और आप लोगों को भी दिखाने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर इतना चलना मुश्किल हो रहा है, फिर भी हम लोग को मंजिल तक पहुँचना है यार। यहाँ ना बंदी है ना बंदा, बस चिड़ियों के अलावा यहाँ किसी की आवाज़ कोई नहीं सुनता। दोस्तों, इतने अंदरूनी क्षेत्र में और इन घने जंगलों के बीच में खूबसूरत सा वाटरफॉल बना हुआ है। प्राकृतिक अद्भुत नज़ारे
आज भी दुनिया से थोड़ा अनजान है। सो गाइस आप लोग भी यहाँ आ सकते हो और पिकनिक ट्रैकिंग कैंपिंग भी कर सकते हो। हम लोग दोनों ओर से पहाड़ियों से गिरे इस नदी के किनारे किनारे होते हुए हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अभी तो हम लोग को और दूर जाना है, थोड़ा सा थकावट लग रहा है, पर खुशी की बात है कि हमको वाटरफॉल देखना है। देख सकते हैं कितना कठिन रास्ता है हम लोग को आगे जाना है। दोस्तों ये प्यारा सा बांस का जंगल बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है और डरावना सा लगता है। हम लोग अभी वाटरफॉल के नज़दीक पहुँच रहे हैं। देख सकते हो अगर कितना खाई है बांस के पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ है। ये नीचे का हिस्सा है भाई, बहुत नीचे का ही है। हम लोग झरने के पास पहुंच रहे हैं। झरने का आवाज सुन सकते हो। दोस्तों एक खतरनाक रास्ते से होकर हम लोग को वाटरफॉल तक जाना है। तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। आप लोगों को अभी मैं दिखाता हूँ वाटरफॉल। ये देखिए भाई वाटरफॉल अभी नहीं पहुँचे। ये देखिए वाटरफॉल भैया क्या खूबसूरत है यार। आप लोगों में एक बार जरूर आइए। कितना ब्यूटीफुल इन चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है वाटरफॉल। बहुत ही सुंदर है। प्रतापगिरी वाटरफॉल के नाम से इसको जाना जाता है। भाई आप लोग यहाँ पर एक बार ज़रूर आएंगे तो आप लोगों को भी मेरी जैसी खुशी होगी। ज़रूर आना। ये आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर पूरा जो झरना गिर रहा है यहाँ पूरा चित्रा नीचे आ रहा है। आप लोग देख सकते हो पूरा बीच का बहुत ही खूबसूरत आवाज चल रही है। क्या मज़ा आ रहा है यहाँ पर आने के बाद पूरा थकान दूर हो गया है। यहाँ पर आप पसंद भी आई है और। दोस्तों यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है मानो पूरा बरसात हो रहा हो। आप लोग देख सकते हो मैं पूरा कितना भीग चुका हूँ और पूरा अपना कैमरा भी भीग चुका है। दोस्तों यहाँ पर आके दिल खुश हो गया यार। ये प्रतापगिरी का वाटरफॉल बहुत ही सुंदर है। आप लोग को मैं भी दिखाया बहुत ब्यूटीफुल है। जितना दूर पैदल चले कितना थकावट लगा वहाँ जाने के बाद पूरा थकान से मिट गया यार। ऐसा लग रहा था वहाँ आने वहाँ जाने के बाद वहाँ से वापस आने का मन ही नहीं कर रहा था। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस भाई को इजाज़त दीजिए। जय हिंद जय भारत। अरे दोस्तों एक बात और, एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो।